जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। डीवी भारती समाचार चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र वेदी शास्त्री, राजगढ़ झांसी। सबसे पहले राशि है मेष। मेष राशि वालों को आपको आज के दिन कोई शुभ सूचना अथवा नया कार्य में आप हाथ डालते हैं तो आपका काम सिद्ध संपन्न हो सकता है। स्वास्थ्य आपका मध्यम रहेगा। दूसरी राशि है वृक्ष। मृख राशि वालों को आपको आज के दिन वाहन से सचेत सतर्क रहना है। नदी, कुआ, तालाब इत्यादि झरने जैसी स्थितियों का डर का माहौल आपके अंदर आ सकता है, इसलिए इन सब चीज़ों से दूर ही रहें। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि वालों को आपको आज के दिन आपको या सरकारी नौकरी लग सकती है आप, अथवा आप सरकारी नौकरी की चेष्टा करते हैं, फार्म डालते हैं तो आपका काम सिद्ध संपन्न होगा। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को आज आप बहुत बड़ा भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण जैसी स्थितियां भी बन रही हैं। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को आपको आज के दिन घर परिवार मित्रों से अच्छे संबंध होंगे। भूमि वाद विवाद चला आ रहा है, वह समाप्त भी हो सकता है। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को जमीन प्लॉटिंग से आपको आज बहुत लाभ होगा। सातवीं राशि तुला। तुला राशि वालों को आज आपके दिन कोई बहुत दिनों से काम अटका हुआ सिद्ध संपन्न हो सकता है। आठवीं राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति एवं शत्रु आपके परास्त होंगे। नवम राशि है धनु। धनु राशि वालों को आपको आज के दिन कोई नया काम व्यापार शुरू कर सकते हैं जो आपके लिए श्रेष्ठ उत्तम कारक रहेगा, बहुत ऊंचाइयों की ओर ले जा सकता है। दसम राशि है मकर। मकर राशि वालों को आपको आज के दिन कोई नई शुभ सूचना अथवा नया व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। स्वास्थ्य आपका मध्यम ठीक रहेगा। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को आज आप कोई बिल्डिंग प्रॉपर्टी की डीलिंग कर सकते हैं अथवा कोई नया कारोबार प्रारंभ कर सकते हैं। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वालों को आपको आज के दिन भाग्य का उदय एवं नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण जैसी स्थितियाँ बन रही हैं। घर में माहौल आपका मध्यम रहेगा और आपका स्वास्थ्य थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। आप पुखराज नाम व्रत धारण करें जो कि आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम कारक रहेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।